फैक्ट नंबर वन गाइस, केजीएफ 1 के बाद केजीएफ 2 के लिए फैंस को करीब 3 साल इंतजार करना पड़ा, लेकिन ये इंतजार अब सुनामी की शक्ल में सामने आ रहा है। जी हाँ गाइस, एक्टर यश, संजय दत्त, रवीना टंडन जैसे सुपरस्टार से सजी इस फिल्म की सबसे खास बात है इसका दमदार एक्शन और धांसू डायलॉग। लेकिन आप में से बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि केजीएफ 2 के जो फेमस डायलॉग हैं वो खुद एक्टर यश ने लिखे हैं, और इस बात का खुलासा केजीएफ फिल्म डायरेक्टर प्रशांत नील ने किया है। उन्होंने कहा कि फिल्म का सबसे फेमस डायलॉग वॉयलेंस वॉयलेंस वॉयलेंस, आई डोंट लाइक, आई अवॉइड इट, बट वॉयलेंस लाइक मी, ये डायलॉग यश ने लिखा है। यही नहीं, फिल्म के कई मेजर पोर्शन के डायलॉग्स भी यश ने ही लिखे हैं। बहरहाल, इससे तो यही पता लग रहा है कि इस फिल्म के लिए यश ने बहुत ही मेहनत की है, और उनकी ये मेहनत बॉक्स ऑफिस पर दिख भी रही है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। फैक्ट नंबर टू गाइस, क्या आप ये जानते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई शेयर मार्केट में पैसा लगा सकता है, फिर चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या फिर चीफ मिनिस्टर। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि हमारे देश के पीएम और सीएम के पास तो सारी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि कौन सी कंपनी कहां और किससे डील करने वाली है। तो फिर इस हिसाब से तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या फिर पीएम या सीएम शेयर मार्केट से भारी मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। आखिर क्यों? क्योंकि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई इन्वेस्ट तो कर सकता है लेकिन ट्रेडिंग नहीं कर सकता, और इसी वजह से इन्वेस्टिंग न्यूज जल्दी मिलने के बावजूद भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई शेयर मार्केट से प्रॉफिट नहीं कमा पाता। लेकिन गाइस, आपकी क्या मजबूरी है? आप तो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों कर सकते हो और भारी मुनाफा कमा सकते हो। तो देर किस बात की, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीमेट अकाउंट्स के लिंक गिवन है, फटाफट से जाइए और अपना डीमेट अकाउंट ओपन करिए और अपना इन्वेस्टमेंट आज से शुरू करिए। फैक्ट नंबर थ्री गाइस, वो कहते हैं ना कि पानी की महिमा जिसने है पहचानी, उससे बड़ा कोई नहीं है ज्ञानी। ये कविता 85 साल के मांगीलाल गुजर जी पर सटीक बैठती है। पानी बाबा के नाम से मशहूर मांगीलाल जी राजस्थान भीलवाड़ा गांव के निवासी हैं, जो पिछले 27 सालों से अपने खुद के द्वारा खोदे गए कुएं से प्यासे रागीरों को पानी पिला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने गांव में आने वाले रागीरों को ही पानी पिलाते हैं, बल्कि वो दूसरे गांव गांव जाकर भी ये काम करते हैं। यही नहीं, प्यासे लोगों की जल सेवा के लिए उन्होंने अपने घर परिवार तक को त्याग दिया है। उन्होंने अपनी सारी खेती और जमीन चाचा के लड़कों में बांट दी और सिर्फ पानी का मटका और लोटा लिए लग गए जल सेवा में। गाइस, पानी बाबा की कहानी उन तमाम लोगों के लिए एक सबक है जो भूखों और प्यासों को देखकर मुंह मोड़ लेते हैं। नमन है मांगीलाल जी के इस निस्वार्थ सेवा को। फैक्ट नंबर फोर गाइस, ऑस्कर अवार्ड सबसे बड़े अवार्ड के तौर पर दुनिया में जाना जाता है, लेकिन इस साल जो कांड हुआ है उसकी चर्चा ऑस्कर अवार्ड से भी ज्यादा होने वाली है। जी हाँ गाइस, ऑस्कर की भरी महफिल में एक्टर विल स्मिथ ने स्टेज पर जाकर होस्ट क्रिस रॉक को थप्पड़ जड़ दिया। पहले तो वहां मौजूद सेलेब्स को लगा कि ये कोई मजाक है, लेकिन बाद में माहौल गंभीर होता देख एहसास हो गया कि इतने बड़े मंच पर कुछ ऐसा हुआ है जो ऑस्कर के इतिहास में कभी नहीं हुआ। दरअसल क्रिस ने विल स्मिथ की वाइफ जेडा के गंजेपन पर कमेंट करते हुए कहा कि फिल्म जेआई जेन में उन्हें गंजेपन की वजह से ही कास्ट किया गया था, और उन्होंने अपने बाल नहीं कटवाए थे बल्कि वो एलोपेसिया बीमारी से जूझ रही हैं, जिससे उनके सिर से सारे के सारे बाल गायब हो गए। यही बात विल स्मिथ को बहुत ज्यादा बुरी लग गई और उन्होंने स्टेज पर जाकर क्रिस को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बहरहाल, दोनों ने एक दूसरे से माफी तो मांग ली है, पर आपको क्या लगता है कि पहली गलती किसकी थी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।